रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पंद कंजारुणम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वामी मंदिर। आज मैं 5 ऐसे लेसन्स लेकर आई हूँ जो हमें श्री राम से सीखने चाहिए। 5 लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम। लेसन नंबर 1, बी कमिटेड टू अ पर्सन हुम यू प्रॉमिस्ड। दैट मीन्स प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। वचन दे दिया तो मतलब दे दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे वो अपने पिता दशरथ जी को दिया हुआ वचन हो, माँ कैकेयी को दिया वचन हो, माँ सीता को दिया हुआ वचन हो, या हनुमान जी को दिया वचन हो, श्री राम ने सारे अपने वचन पूरे किए। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक बार अगर हमने वचन दे दिया, प्रॉमिस सोच के करो, और अगर प्रॉमिस कर दिया दैट मीन्स कर दिया। भले ही उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े। जैसे हमने राम जी को देखा, एक पिता के वचन के लिए पुत्र राम बन गए। लेसन नंबर 2, बी हम्बल। नो मैटर्स हाउ पावरफुल यू आर। आपको हम्बल रहना है, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। ये हमने श्री राम से सीखा, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। ट्रीट इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट करना, चाहे वो शबरी के झूठे बेर खाना हो, या फिर सेतु बनाते वक्त सारे वानर कंकड़ फेंक रहे थे तो उसमें गिलहरी भी थी और वो छोटे छोटे कंकड़ फेंक रही थी, तो राम जी ने उसे भी प्रेस किया, इक्वली ट्रीट किया। चाहे वो कितने भी पावरफुल बन गए, माताओं की सेवा करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अयोध्या वासियों की सेवा करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सत्ता मिल गई मगर सत्ता की आड़ में कभी भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ही आज हम चाहते हैं कि राम राज्य वापस आ जाए। लेसन नंबर 3, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। या रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राम जी ने यही तो सिखाया है। 14 वर्ष वनवास चले गए, वन को चले गए राम जी। ऐसे ही कोई मनुष्य से देवता नहीं बन जाते। 14 साल, हम 14 दिन, हमको इस जंगल में छोड़ दो, हम वहां नहीं रह पाएंगे, पर वो 14 वर्ष वनवास चले गए। पिता के वचन के लिए पुत्र राम बन गए। प्रभु राम वनवास गए, उन्होंने माताओं की सेवा करना नहीं छोड़ा, पिता की सेवा करना नहीं छोड़ा। सबसे पहले जब वो वनवास से आए तो केकई माँ से मिले, क्योंकि जब वो गए थे तो वो मनुष्य रूप में गए थे, पर जब वो आए तो वो देवता बन के आए, रावण पे विजय पा के आए। अगर केकई माँ ये वनवास देती ना तो क्या वो मनुष्य से देवता बन पाते? वो सबसे पहले आके केकई माँ से मिले। पूरे अयोध्या वासी केकई माँ को दोषी ठहरा रहे थे, भरत भी केकई माँ को दोषी ठहरा रहे थे, मगर उन्होंने सबसे पहले केकई माँ के चरण स्पष्ट किए, केकई माँ को अपनी माँ से भी ऊंचा सम्मान दिया, अपने माँ बाप को हमेशा सबसे ऊंचा माना। सबसे बड़ी सीख हमें ये सीखने को मिलती है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने से बड़ों की कद्र करो। अपने माँ बाप को भगवान समान माना उन्होंने, तो आप भी अपने माँ बाप को भगवान समान मानो, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। लेसन नंबर 4, लॉयलिटी इज एवरीथिंग। ट्रस्ट योर पार्टनर, ट्रस्टिंग योर पार्टनर। उन्होंने एक लॉयल रिश्ता बनाया। उन्होंने सीता माँ को एक वचन दिया था कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आए। अश्वमेध यज्ञ होना था, तब राम जी ने सीता सोने की बिठाई थी, उनके दिमाग दिल आत्मा हर जगह माँ सीता थी। सीता के सिवा कोई स्त्री आई नहीं। आजकल के हम रिश्ते देख रहे हैं कैसे होते जा रहे हैं। 4th लेसन हमें ये सीखने को मिलता है, बी लॉयल टू अ पर्सन। अगर राम भक्त हो, आप राम जी को पूजते हो, तो उनकी विचारों को अपनाओ, उनकी आस्था को अपनाओ, उनके संस्कारों को अपनाओ। सिर्फ पूजना ही नहीं होता, उनके विचारों को अपनाना भी बहुत बड़ी चीज होती है। आज की डेट में चीटिंग करना बहुत आसान होता है किसी रिश्ते में। नंबर 5, बीइंग परसिस्टेंट। दृढ़ शक्ति सबसे बेस्ट जो मुझे लगी, जो दृढ़ता की भावना है ना, वो सबसे बेस्ट है। कि दृढ़ शक्ति कैसे होनी चाहिए, राम बनना है या नहीं, राम चाहिए या आराम चाहिए, क्या चाहिए आपको, राम या आराम, राम जैसा बनो। जब सारे अयोध्यावासी सोए हुए थे ना, तब श्री राम वनवास को चले गए थे। जब दुनिया सोई हुई होती है ना, तब काम करने का जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। भगवान जैसा बनना है ना, तो तप तो करना पड़ेगा। भगवान जैसा बनने के लिए तप बहुत जरूरी है, तपने लग जाओ। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना इस वीडियो को, उसको एज अ मोटिवेशन समझो कि राम जैसा बनना है। एक मोटिवेटेड, हमेशा हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें दृढ़ शक्ति लानी है अपने अंदर, परसिस्टेंट रहना है और कुछ करना है, क्योंकि आपके ऊपर है। तो राम जैसा बनना है या अभी आराम करना है, आपके ऊपर है। ये 5 ऐसे लेसन्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे श्री राम के, और मैंने आपके साथ शेयर किए। राम है ये इच्छा मेरी, राम है ये इच्छा मेरी, हर जन्म में ये वरदान मिले। जन्म मिले हिंदू धर्म में, जन्मभूमि हिंदुस्तान मिले। जन्म मिले हिंदू धर्म में, जन्मभूमि हिंदुस्तान मिले। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको राम जी की ये लेसन्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी।